हरिद्वार के कुंभ मेले में इस बार मच्छर मक्खियों को भी एंट्री नहीं मिलेगी। सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन ये सच है। कुंभ मेला प्रशासन ने हर की पैड़ी से मच्छर मक्खियों को नियंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाकर दवा का छिड़काव शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए, हरिद्वार कुंभ शुरू होने में भले ही वक्त हो लेकिन युद्ध स्तर पर तैयारियां लगातार जारी है। श्रद्धालुओं के लिए कुंभ को सुगम बनाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं की साधना में मच्छर मक्खियां खलल न डाले इसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। मेले में बहुत से श्रद्धालुगण आएंगे, खाने पीने की जो हमारी ईटरीज हैं, हमारे ढाबे हैं, होटल्स हैं, सभी चल रहे होंगे। कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है, यद्यपि उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं और गर्मियों का सीजन भी पास है तो मक्खी और मच्छर दोनों ही मेला क्षेत्र में ना आए, इसके लिए अभी से प्रोग्राम शुरू किया गया है और इसमें जो टीम्स हैं हमारी सेक्टर वाइज बनी है। सिर्फ मक्खी मच्छर ही नहीं, कुंभ में साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जा रहा है जिससे हरिद्वार कुंभ आने वाले बड़े कार्यक्रमों के लिए भी एक उदाहरण बन सके। आज हर की पौड़ी से शुरुआत हुई है जो कि पूरे मेला क्षेत्र में ये रहेगी। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग भी प्रोएक्टिव तरीके से इसको निभाएगा और हम सब व्यक्तिगत रूप से भी, चाहे जो भी संस्थाएं हैं, चाहे व्यापार मंडल हैं, चाहे होटल एसोसिएशन है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि इस बार का जो कुंभ है वो स्वच्छता की दृष्टि से भी एक व्यवस्थित कुंभ हो और लोग उसका एक उदाहरण दें कि इस कुंभ में जो सफाई की व्यवस्था है वो ऐतिहासिक रही है और आगे के लिए बेंचमार्क वो स्थापित करें। प्रशासन की ये पहल अगर रंग लाई तो मक्खी मच्छरों से फैलने वाली कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। प्रशासन के इस अभियान में सामाजिक संस्थाएं और व्यापार मंडल भी बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं, साथ ही स्थानीय लोग भी इस अभियान की सराहना कर रहे हैं। आशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, हरिद्वार।